नेक्स्ट हम वाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में केस लेवल्स के प्लेस पर यूज किया सिंबल ए सिंबल बी, प्लस इस केस में बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो ए भी कंसीडर होंगे एज अ वेरिएबल्स, लेकिन इस केस में ए और बी डिफाइन किया एज अ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट विच इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर मैक्रो हैश डिफाइन. इसे हैश डिफाइन और मैक्रो स्टडी करें नेक्स्ट सेशन ऑफ सी लैंग्वेज. इस केस में करंटली अगर इसके मीनिंग्स की बात करें थ्रू आउट प्रोग्राम, जस्ट कंपाइलेशन से पहले अगर थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी मैक्रो नेम यूज किया आइदर ए और बी, ए के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हुआ ए वन एंड बी के प्लेसेस पर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हुआ एज ए टू बिफोर कंपाइलेशन. मीन्स जनरली किसी प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट वन एडिटिंग फेस, सी के बेसिक्स में डिस्कस किया था एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, एडिटिंग के जस्ट बाद नेक्स्ट फेज किया था प्री प्रोसेसिंग फेज, नेक्स्ट वन कंपाइलेशंस, आफ्टर दैट लिंकिंग लोडिंग और फाइनली एग्जीक्यूशन एंड सो ऑन. फर्स्ट वन प्रोग्राम क्रिएट करने के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्री प्रोसेसिंग फेज. ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग फेज All macro constant will be replaced by its actual substitutions. Means compilation से just पहले जहाँ भी a use किया a के place पर substitute क्या हो जाएगा value as 1. Similarly b के place पर substitute हो जाएगा b का value क्या define हुआ already 2. Then pre-processing के just बाद एक code source code से remove हो जाएगा logically. Then finally जब compilation perform होगा next step compilation इस particular given code के basis पर perform कराएंगे. कंपाइलेशन से जस्ट पहले लेवल्स के प्लेसेस पर फाउंड क्या हो रहा है वैल्यू और कांस्टेंट इंटीजर्स, इसलिए केस कैसा है वैलिड. देन आउटपुट के रिगार्डिंग बात करें, जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है एक्स, एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, इसलिए स्विच के अंदर एक्स के प्लेस पर रिप्लेस कराया जाए 1. इसे वैल्यू मैच किस हो रहा है केस 1 से, केस 1 के साथ मैच हो रहा है इसलिए चांस किसको मिलेगा प्रिंट एफ 1, देयरफॉर 1 इज डिस्प्लेड by this printf. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या ब्रेक, और ब्रेक के थ्रू कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच. इसके जस्ट बाद कोई भी स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है इसका ओनली 1.